की बारिश के बाद फरीदाबाद में जगह जगह जलभराव और कई जगह नाव चल रही हैं। आप देखें फरीदाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुमित गौड़ यहाँ नाव बेच रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं अब शुरुआत करूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए आज आप सभी देख रहे हैं, आप सबके जितने भी फॉलोअर्स हैं व्यूअर्स हैं, मात्र 2 से 3 घंटे की बारिश में इस बीजेपी की सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी पूरा फरीदाबाद का एक एक एरिया जलमग्न हो चुका है। और आज की बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अंधभक्तों से ये जरूर बोलूंगा क्योंकि आपके चैनल्स पे भी कुछ अंधभक्त होंगे कि कमेंट कॉम्प्लीमेंट जो भी आपने करना हो दिल पे हाथ रख के करना, एक हद तक ही अंधभक्ति अच्छी लगती है। अब मैं आऊंगा आज के मुद्दे पे। आपने खुद ही देख लिया कि ये स्मार्ट सिटी आज नर्क सिटी बन गई है एक बार फिर से। इस बीजेपी सरकार को लगभग 9 साल हो गए हैं सत्ता में, देश में व प्रदेश में, और इस मैं बात करूंगा, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं तो मैं बात करूंगा केवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, और जो मेरी विधानसभा भी है और फरीदाबाद 89 जहां मेरा कार्यालय है, घर है, दफ्तर है, जहां मेरे लोग हैं, उन सबके दुखों को, उन सबकी परेशानियों को मैं उठाने का प्रयास अपनी तरफ से करता आया हूं और करता रहूंगा। आज हमारे बीच इस मौके पे हमारे कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जया शर्मा जी हमारे पीछे मौजूद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रखर वक्ता बाबूलाल रवि जी भी हमारे बीच में हैं, युवा समाजसेवी वरुण बंसल जी भी हैं, आदि तमाम लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग एक चार पाँच चार तो हमारे ऐसे मित्र साथीजन हमारे घनिष्ठ कांग्रेसी नेतागण जो खुद स्वयं इस समय अपनी गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं। सुमित गौड़ जी, फरीदाबाद का ये हाल क्यों हो रहा है ये बताएंगे? आज मैंने सबसे पहले बीजेपी सरकार को, उसके चुने हुए नुमाइंदों को, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, उनको, क्योंकि वो तो कुछ करने का उनमें तो दम है नहीं, आज मैंने एक शुरुआत करी है उनको आईना दिखाने के लिए कि फरीदाबाद क्षेत्र में जिस किसी को भी सड़क पे कहीं भी आना जाना हो तो उसके लिए हमारे पास से आपने देखा ही लगा दी हमने, हमारे यहाँ फरीदाबाद के किसी भी क्षेत्र में सड़कों पर आने जाने के लिए नाव किराए पे दी जाती है, वह नई नाव खरीदने की सुविधा उपलब्ध है। ये नाव है, अंदर भी 5-6 नाव हमने रखी हुई है। ये हमारा विरोधाभास है एक प्रतीकात्मक रूप में इस बीजेपी सरकार को, इसके आज आप देखिए आज का लानत है इस सरकार पे। आज वीरवार है, थर्सडे है, आज की तारीख है 29 जून, आज से यानी कि आज का ये वर्किंग डे है, कल आज वैसे सब आज ईद का त्यौहार भी है, मैं ईद के मौके पे भी आज आप सब देख रहे हैं कि पूरा शहर आज जलमग्न हो गया, लेकिन अभी तक भी शाम के 4:30-5 बजे को आए हैं एक भी नगर निगम का अधिकारी, एक भी नगर निगम का कर्मचारी, एक भी बीजेपी का नेता कि मुझे आप एक पोस्ट दिखा दें जो मुआयना करने निकला हो। हम कल शुक्रवार को निर्देश देंगे, आज लोग आए नहीं है जो भी कारण है। मतलब आप देखिए इन अधिकारियों ने नेताओं की सुननी बंद कर दी है, नेताओं ने अधिकारियों को कहना बंद कर दिया है, उसके पीछे सर से एक कारण है भ्रष्टाचार। जब नेता व अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार करें ना तब कोई किसी के सुनता नहीं है इस बीजेपी से, और लेकिन असली असर पड़ता है प्यारी अभागी जनता पे। आज आप ये देख लीजिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा आज सड़कों पे गाड़ियां खराब खड़ी हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। केवल हमारे ऑफिस के सामने वाली रोड जो नई बनी है ये रोड छोड़ दें, एक पंद्रह यहाँ थोड़ा बहुत पानी का लेवल कम है, बाकी तो आप किसी भी एरिया की बात कर लें आज पूरा फरीदाबाद जलमग्न है। और सलम कॉलोनिया नहर पार के लोगों के मेरे पास इतने फोन आए लोगों के, क्योंकि उनको पता है कि हम आवाज उठाते हैं, उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत लोगों के फोन आए, इसीलिए मैंने आज आप सभी को बारिश के में भारी बारिश से परेशान किया। अब बारिश इस समय रुक गई है और आप देख रहे हैं। सुमित जी, नाव किराए में देंगे चलो तो वैन की बात हुई, ये बताइए आज समस्या की तरफ तो आप ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन
कांग्रेस आने पर समाधान क्या करेंगे आपके पानी ना रुके? नहीं रुके। देखिए मैं सवालों के जवाब पे पहले आऊंगा, व्यू आऊंगा मैं, चलो आपके सवाल के जवाब देता हूँ, बाकी सवाल बाद में करना। कांग्रेस पार्टी के समय का 9-10 साल के स्वर्णिम इतिहास आप सभी ने देखा है। समस्याएं तब भी छोटी मोटी हुआ करती थी लेकिन उनका निवारण हुआ करता था। अब तो सुनवाई भी नहीं है। ये हिटलरशाही सरकार है, ये बैरू की सरकार है। एक मुख्य बात कहना चाहूंगा, राम हिंदू मुसलमान जी के नाम पर, मंदिरों मस्जिदों के नाम पर इन्होंने वोटें बटोरी। और आज मेरे साथ चल के देखिए 16A के मंदिर का हाल। आज मंदिर के अंदर सीवर का पानी घुसा हुआ है। अब कहां गई इनकी प्रभु भक्ति? अब कहां गई इनकी राम भक्ति? अब कहां गया इनका हिंदुवाद? ये सिर्फ वोट बटोरना जानते हैं। आज का एक सबसे बड़ा आपको मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं भी फोन पे भी बात कराऊंगा आप सबकी। सेक्टर 16A में एक मकान नंबर है 543, जहां पे रहते हैं मिस्टर दर्शन खन्ना जी। आज उनका बड़ा रोते हुए बड़ा दुखी स्वर में मेरे पास फोन आया। पिछले एक हफ्ते से वो विधायक नरेंद्र गुप्ता के दफ्तर जा रहे हैं, फोन पे बात कर चुके हैं। उनका एक पीए है अपना मुकेश गुप्ता, उससे बात कर चुके हैं। उनके घर के अंदर 2-2 फुट पानी है, सीवर जाम हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपनी वीडियो तक मुझे भेजी है 543-16A। अब आता हूं नहर पार पे। जैसे आप नहर पार जाते हैं, पदम नगर से एक हरकेश लड़के का फोन आता है मेरे पास। उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा भाई मेरे को वीडियो कॉल कर लो, मैं अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है मैंने, अब उसके यहाँ जाऊंगा। उसके घर में 4.5 फीट पानी है, फ्रिज में आग लग गई है। आप ये बताइए, आज स्लम कॉलोनी वाले लोगों के घरों में आग लग रही है, पानी का पसा। अभी आपने देखा करंट से कई लोगों की मौत भी हुई थी, कई दिक्कतें हुई थी। तो आप ये देख लीजिए, आज पूरा फरीदाबाद रो रहा है और बीजेपी के सभी नेता अपने अपने घरों में सजे धजे बैठे हुए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, सेक्टर 11 में जहाँ नरेंद्र गुप्ता जी का कार्यालय है, सारी लाइन ही खरीदने में लगे हुए हैं प्लॉटों की, वहां पर वो वहां पानी नाके बराबर है। सेक्टर 15 में जहाँ नरेंद्र गुप्ता जी का घर है, वहां पानी नाके बराबर है। सेक्टर 28 में जहाँ मंत्री किशनपाल गुर्जर जी का घर है, वहां पानी नाम मात्र है। जितने भी इनके विधायक है वहां पानी नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसी भी सीमा त्रिखा जी के घर के बाहर चले जाइए, आप चले जाइए मूर्जी शर्मा जी घर के बाहर चले जाइए, राजेश नागर जी के बाहर चले जाइए, त्रिफरा वाले नैन पर रावत जी 15 अगस्त से, क्या सिर्फ यही 6 जगहों पे इंसान रहते हैं? क्या बाकी फरीदाबाद में इंसान नहीं रहते? नहर पर ओल्ड फरीदाबाद में उन लोगों ने वोट नहीं दी जिनकी वोटों पर ये लोग सत्ता में काबिज हुए हैं। मैं तो उन्हीं की आवाज उठा रहा हूँ। इसीलिए देखो, हमने पिछले साल पानी में चलाई थी, वो एक प्रतीकात्मक हमने वो किया था। उसमें भी बीजेपी के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा, देखो पैर दिखाई दे रहे हैं। मैं उन नरेंद्र गुप्ता जी पढ़े लिखे हमारे विधायक हैं, उनको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो प्रोटेस्ट आपको जगाने के लिए था, वो प्रोटेस्ट प्रतीकात्मक है, और आज का प्रोटेस्ट भी प्रतीकात्मक भी है। लेकिन किसी भाई को अगर नाव चाहिए, वो हमने नाव भी डिस्प्ले में रखी हुई किराए पे, क्योंकि सुमित जी आज आप ये नाव यहाँ पे इसलिए लेके बैठे हुए ना कि आज शहर में पानी नहीं है। अगर पानी होता तो आपकी ये नाव सड़क पे होती ना। देखिए भी तो है इसका लॉजिक। अभी मैं आपके साथ चल के अभी आपको पानी दिखाऊंगा। ये जो सेक्टर 12 जहाँ से जजेस की गाड़ी जाती है, यहाँ भी अभी पानी, जबकि बारिश को 5 घंटे हो गए बंद हुए पड़े। आज हीरो अपार्टमेंट में मैंने आज बाइट दी है, अभी तक 25,000 फॉलो आ चुके हैं मेरे, वहां देखा है मैंने, वहां मैं बाइट दी, पानी मेरे घुटनों तक पानी था वहां पे मेरा। आप सब देख लेना उसको जाके। NIT 86 विधानसभा है तो कांग्रेस के विधायक, लेकिन वो बिचारे वो करे क्या? वो विपक्ष के विधायक है, वो तो उन्होंने कपड़े भी त्याग दिए। शहर का सबसे ज्यादा पानी NIT विधानसभा में भरता है, आप उसको छोड़ रहे हैं। आज आपने देखा, नहीं मैं उसको भी आ रहा हूँ, आज जितनी भी वीडियो जारी हुई है आपने देखा होगा, आज सब लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है, कोई फट्टा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। आज NIT में भी दो नंबर नहीं, NIT में भी 4 आर की भी है, बल्लेगढ़ की भी है, 3-4 मिक्स है, आप में किसी के पास कोई, किसी के पास कोई होगी। लेकिन मुझे अच्छा लगा आज पहली बार कि हमारे फरीदाबाद जिले के नागरिक वोकल हुए हैं, सड़कों पर आए हैं। इससे पहले दिक्कत ये थी कि हमारी आम जनता सड़कों पर नहीं आती थी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ आम जनता से कि आप हमें चाहे बुलाएं चाहे ना बुलाएं, हमें चाहे पूछें चाहे ना पूछें, अपने घरों के बाहर और अपनी गलियों के बाहर एक बोर्ड जरूर लगा दें, बीजेपी वाले नॉट अलाउड। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि तभी आपके दुखों का निवारण होगा, तभी ये सोई हुई दूंगी मेरी सरकार कुछ हद तक जागेगी। 1 साल रह गया 2024 में आने में, 1 साल बाद आपके लोकसभा और हरियाणा के चुनाव है, निश्चित रूप से
इस देश या प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी आएगी, सुख में माहौल होगा। मैं आज सच बता रहा हूँ आपको, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करने आता, ना मैंने कभी करी, मतलब आज तो लिटरली दिल से कभी रोना निकल जाता हालत। आपके इस समय वर्तमान में एनआईटी विधायक भी हैं, आपके पूर्व मंत्री भी रहे आपके यहाँ, और बहुत सारे विधायक भी आपके शहर में रहे जब आपके सरकार थी, वो लोग जद्दोजहद करते थे, लेकिन हमेशा सुमित गौड की छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वही समाज की बात उठाता है, वही जिला प्रशासन को कोसता है, वही भाजपा को कोसता है, बाकी नेता कहाँ जाते हैं आप? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं समझिए, देखो बाकी कांग्रेस के नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी ने महंगाई के मुद्दे पे किया, किसी ने कानून व्यवस्था पे किया, हर कोई करता है। वो बात जरूर है कि कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, भाई कोई अपना 100% टाइम दे रहा है मेरी तरह, कोई अपना बैलेंस करके दे रहा है, 50% अपने व्यापार में भी दे रहा है, 50% पार्टी पॉलिटिक्स में भी दे रहा है। तो मैं तो भैया 100% अपनी जनता को समर्पित हूँ। इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र की जनता की दुख तकलीफ मैं ऐसे उठाता रहूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब तक इन्हें कोसेंगे नहीं, आपके माध्यम से बीजेपी वालों को मैं हर बार कहता हूँ, आज तीसरी बार भी एक बात कहने जा रहा हूँ कि दुआ कमा लो, दुआ और बददुआ में बहुत फर्क है। अभी आप लोग खाली धन कमाने में लगे हुए हो, लेकिन जब लोगों की आहें लगेंगी ना, सारा खर्चा आपका अस्पतालों के बिलों में निकलेगा। और मेरी बात याद रखना, आप ईडी आरडी पुराने दिन का इनके लोगों को तो धमका सकते हो, डरा सकते हो, साल रह गया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आएगी, मैं चुप नहीं बैठूंगा भाई। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, हमने सुमित जी बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, हमने दो दो जगह